आप देख रहे तेज खबर 24, मैं हूं आपके साथ विकास। आज नागपंचमी का त्यौहार धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह लोगों ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर झाप, दूध, लावा आदि चढ़ाए गए। हालांकि कोरोना संकट के चलते पहले की तरह नागपंचमी मेले का आयोजन नहीं हो सका। लोग घरों में ही भजन कीर्तन कर रहे थे। इस अवसर पर घरों में नीम दही के साथ खीर पूरी व अन्य मिष्ठान भोजन का आनंद लिया। लोगों ने घरों में जगह जगह नीम के डंडल को लगाया। भगवान, कहां से आए हैं आप लोग? किस तरह की समस्या आ रही है इस बार कोरोना की वजह से? क्या कोरोना की वजह से, मतलब इसे हम लोग नागपंचमी को नागांग दिखाते थे, वो हमारा नहीं चल रहा क्योंकि लॉकडाउन लगा, इसलिए चल नहीं पा रहा था। पानी की कितने लोग रह आते थे आप लोग वहाँ? हम लोग बहुत लोग आते थे। इस बार कहीं भी नहीं दिखा पाए लॉकडाउन के, परिवार इसी की वजह से चलता है। इसीलिए परिवार, मतलब परिवार को अब क्या बताएं, क्या खाएंगे, अब चल जाता था कुछ सामान। नाग पंचमी पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं ने नाग देवता सहित मां भगवती की पूजा अर्चना की। इस दौरान नाग देवता की प्रतिमा को दूध, घी, दही, मधु एवं पंचामृत से स्नान कराकर छाप, दूध और लावा चढ़ाया गया। धार्मिक मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें आर्थिक लाभ तो मिलता ही है और साथ ही जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। कहाँ पर खड़ा हो? साले अखाड़ घाट में कुश्ती वगैरह कार्यक्रम होता था, इस बार कैसा सूना पड़ा हुआ है? पहले तो मैं सभी को नागपंचमी के लिए पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, इसकी वजह से नागपंचमी का त्यौहार बिल्कुल पूरी तरह का हो गया। और नहीं तो निश्चित रूप से अखाड़ घाट दीवा में नागपंचमी का त्यौहार होता था और बिना बुलाए सैकड़ों की तादाद में लोग आते थे। बजरंगबली का पूजा होता था और अखाड़ा में कुश्ती का, भारोत्तोलन का, डबल वार का, गद्दा गदा और घोड़दर का आयोजन होता था। तो निश्चित रूप से इस बार फीका है और यही बात है, इतना बड़ा महामारी है दुनिया के अंदर, इसकी वजह से ऐसा हुआ।